Good morning guys, it's 10th January and it's my favorite actor Hrithik Roshan's birthday today. I love his movies, I love his acting और उससे ज़्यादा उनका nature मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मैंने सोचा यार क्यों ना उनका डाइट चार्ट में एक दिन के लिए फॉलो करूं, बिकॉज ही इज माय रोल मॉडल व्हेन इट कम्स टू फिटनेस. तो आई हैव समहाउ मैनेज्ड टू पुल हिज डाइट चार्ट एंड आई हैव अ वेरी क्रेजी डाइट. समटाइम्स व्हेन आई एम डिसिप्लिन्ड आई फॉलो अ सर्टेन काइंड ऑफ डाइट व्हिच इज मे बी आई वेक अप एंड आई हैव 6 एग व्हाइट्स. सो या हियर आर द एग व्हाइट्स और साथ में ब्राउन ब्रेड है एंड protein shake which he normally consumes. All right guys, according to my research, Hrithik Roshan majorly eats 3 meals a day, but jab un 3 meals ke beech mein unhe bhook lagti hai to he prefers to eat omelet or egg whites ya fir scrambled eggs. So today I'm going to eat lot of eggs. Guys, mainly in his lunch and dinner he consumes chicken and fish with veggies and rice. तो आज chicken और fish का भी मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा. Alright, for lunch he prefers to eat chicken breast along with steamed stir fry veggies and rice. और यार मुझे broccoli बहुत ज़्यादा पसंद है. ओह, मुझे बिल्कुल broccoli पसंद नहीं है. Dinner के लिए he prefers to eat roasted fish or chicken breast, mainly salmon or sea bass, along with steamed and stirred vegetables. Alright, तो यार आज का meal जो होने वाला है मेरा बहुत ही meal होने वाला है. और यार इतना healthy breakfast ना मैंने बड़े दिनों बाद किया है, वरना daily तो मैं देसी घी में बने हुए पराठे खा के ऑफिस जाता हूँ. So yeah, आज का challenge बड़ा मज़ेदार होने वाला है और बड़ा healthy challenge होने वाला है and I am really looking forward to it. Done with my egg whites and brown bread. Now it's time for my protein shake. Guys, अभी 9 बज रहे हैं और इसके बाद हम सीधा भी लंच नहीं करेंगे. पहले 11:30 बजे मुझे 2 ऑमलेट खाने हैं. तो फिर इसको मैं खत्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे at 11:30 and we're gonna have some omelets. Alright guys, so it's 11:10 right now and it's time to prepare some omelets. Guys, look at this perfect omelet. I can't believe I made this omelet by myself. Guys, ये omelet ना मैंने देसी घी में बनाया है क्योंकि घी yeah. I like घी. घी supposed to be good. So yeah. Guys, it's very tough for me to prepare my own food. तो यार अब तो जितना मैंने बना लिया और खा लिया, अब जो आगे के जो मेरे मील्स होंगे या तो मैं बाहर जाके करने वाला हूँ या मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, क्योंकि खाना बनाने में ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ. गाइस, आई एम डन विद माय ऑमलेट एंड दिस सम्स अप माय ब्रेकफास्ट. तो अब मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ एट द लंच. Alright, Hrithik Roshan fans, I'm back for lunch. और यार अभी मैं हूँ सेक्टर 49 गुरुग्राम और इस जगह का नाम है ग्रीन हाउस कैफे. तो यार जितना मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया है ना, Hrithik सर प्रेफर्स टू ईट ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट विद राइस एंड विद वेजिटेबल्स. तो यार उनको ना ब्रोकली खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और टू इट्स कॉन्ट्रेरी मुझे ब्रोकली बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मेरे गले से एक्चुअली नीचे ही नहीं उतरती ब्रोकली. बट एनी वे आई एम गोना ईट Hrithik सर डाइट फॉर अ डे, तो मैंने ब्रोकली भी साथ में ऑर्डर कर दिया है. तो अभी जैसे ही खाना आता है, I'm gonna show you guys and then we're gonna dig right into it. So see in a while. Guys, my lunch is here. यार इसके अंदर दो बड़ी grilled chicken breast हैं और साथ में rice है, बहुत सारी veggies हैं and जी ब्रोकली और साथ में मैश पोटैटोज़ हैं और इन्होंने मशरूम सॉस भी मुझे दिया है. तो भाई ब्रोकली से ही शुरू करूँगा मैं
All right. Guys, अगर मैं ऐसा लंच खाऊँ ना कुछ महीनों तक surely I'm gonna achieve my fitness goals. Oh, wow. This mushroom gravy is too delicious. It's very smooth. और मुझे ऐसा लग रहा है अपनी ब्रोकली को इस मशरूम सॉस में डिप करके मैं खा सकता हूँ. So far, so good. यार वेजीज में इन्होंने मुझे बेल पेपर्स दिए हैं, कैरेट्स हैं, बीन्स हैं, बेबी कॉर्न है, मशरूम्स तो है ही हैं और ढेर सारी ब्रोकली है. गाइज मैं आज अपने पूरे ऋतिक रोशन वाले मूड में हूँ, तो मैंने शाम को अपनी HRX क्लास भी बुक करा दी है. गाइज रिसेंटली मैंने वर्कआउट करना शुरू किया है एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड. मतलब ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी थोड़ी सी डिटॉक्सीफाई हो गई है एंड आई एम फीलिंग लाइट. यू गाइज शुड ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग आउट बिकॉज हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी गाइज. और यार ऐसा भी कुछ नहीं है कि वर्कआउट करने के लिए आपको जिम जाना ही जाना है, आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो. यू कैन इवन रन इन योर पार्क, जो भी आपके घर के आसपास पार्क है. जस्ट मतलब एक बैलेंस्ड लाइफ मेंटेन करो, इट वुड रियली हेल्प यू बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली. गाइज आई एम डन विद माई लंच और पेट ऊपर तक भर गया है मेरा. मैंने बस ये बॉयल्ड पोटेटोज छोड़ दिए हैं इसके अंदर और बाकी ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ खा लिया है. आफ्टर हैविंग दिस मील यार थोड़ा हेल्दी हेल्दी फील हो रहा है. गाइज अब मैं जा रहा हूँ घर, मुझे थोड़ा सा काम करना है, फिर उसके बाद हम जाएंगे जिम और जिम के बाद आई एम गोना मीट यू गाइज, क्योंकि आफ्टर जिम ऋतिक सर खाते हैं स्क्रैम्बल्ड लेग्स एंड वी गोना डू द सेम टुडे. सो सी यू आफ्टर माई जिम. Alright guys, I'm back from my gym and I am shit tired. यार रास्ते में आते हुए ना मैंने ये house of protein से scrambled eggs उठा लिए थे. Moreover आज का dinner जो है वो भी मेरा house of protein से है, तो जो ऋतिक रोशन का curated dinner होता है वही मैंने house of protein से order किया है and वो रात में खाएंगे. पर अभी time है मेरे scrambled egg खाने का. और यार इतने अंडे ना एक दिन में मैंने कभी नहीं खाए. ऋतिक सर यार आप कैसे खाते हो इतने अंडे. ऑलराइट जस्ट हैव अ लुक. तो यार इन्होंने केचप भी दिए जो कि मैं डेफिनेटली यूज करने वाला हूँ. और यार मेरी बॉडी टूट चुकी है, मैं एकदम थका हुआ हूँ यार, कुछ करने का मन नहीं कर रहा मेरा. यार अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा है ना तो अगली वीडियो ना रॉक पे बनाता हूँ और या फिर रॉक का चीट डे कॉपी करता हूँ, फिर आएगा ना मज़ा. इन्होंने साथ में यार ये ब्राउन ब्रेड भी दिया है मुझे. डन विद माय स्क्रैम्बल्ड एग्स. अब यार अपनी टूटी हुई बॉडी को मैं किसी तरह घर लेके जाऊंगा और आप लोगों से मिलूंगा डिनर के समय. और मेरा डिनर भी ये रहा, बट इसके अंदर क्या है वो मैं आपको डिनर के समय दिखाने वाला हूँ, अभी नहीं दिखाने वाला. सो आई एम गोना सी यू एट द डिनर नाउ. ऑलराइट गाइस, सो इट्स ऑलमोस्ट 10 और ऋतिक रोशन ईट्स चिकन और फिश विद वेजिटेबल्स. तो यार मैंने यही ऑर्डर किया था. यार इसको वार्म करने के लिए मैंने खोल लिया था पहले ही. लेट मी शो यू गाइस, हैव अ लुक. भाई इतना हेल्दी मील ना मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं खाया जितना मैंने आज एक दिन में खा लिया. यार इसके अंदर ऑलिव्स हैं, ब्रोकली है, मुझे कैप्सिकम्स नज़र आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े चिकन के पीसेस हैं और थोड़ी सी ग्रेवी भी है. यार वैसे एक बात तो है कि किसी भी सेलिब्रिटी का ना मतलब एक स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं होता, बिकॉज यार उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं
उनकी अलग अलग मूवीज़ होती हैं, तो हर मूवी में उनकी डिमांड्स अलग होती हैं, उनको अलग तरीके से नज़र आना होता है, तो उसी हिसाब से उनके जो ट्रेनर्स होते हैं उनके लिए उनका डाइट चार्ट प्रिपेयर करते हैं। बट आई एम रियली अमेज्ड टू सी कि ऋतिक सर की जो नॉर्मल लाइफ है, मतलब जो नॉर्मल ईटिंग हैबिट है, उसमें भी वो इतना हेल्दी खाना खाते हैं। तो भाई जब उनको फिट लगना होता होगा तो तब क्या खाते होंगे, आई जस्ट कांट इमेजिन। यार अगर ये डाइट प्लान मैं 2 महीने के लिए भी फॉलो कर लूँ ना स्ट्रिक्टली, यार आई एम गोना डेफिनेटली अचीव माई फिटनेस गोल्स फॉर श्योर। Alright guys, I'm done with that dinner and trust me, I'm already feeling healthy. तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। आई माइट फॉलो डाइट प्लान ऑफ अदर सेलिब्रिटीज ऑल्सो अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ईटिंग।